दिक्कत नहीं है, बहुत चीज है ना, कैसे दिक्कत है। देखिए कि 15 साल मुखिया हो गए हैं, ठीक ठीक 15 साल में आप देखिए यही सारी जमीन पर यही जो है से है ना, चल गए हम टाउन बाहर मुखिया घर उतर मुखिया के माई रोड पर चुनाकना चाहिए खुद में रहते हैं, न रोड में बना है न कुंडी मिला है। नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं द खबरी बाबू। आज हम आए हुए हैं पंचायत का नाम है खिरियामा, खिरियामा पंचायत जो कि शहर से एकदम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो मुख्यालय से दूरी है, लेकिन अभी तक यहां का विकास नहीं हुआ है। लोग कहते हैं, सरकार बोलती है कि हमने विकास किया है, लेकिन आज एक हरजन टोली में आए हुए हैं खिरियामा पंचायत के अंतर्गत में, बाजीपुर नाम है। आप देख सकते हैं कि न सड़क है, न सड़कें हैं, न नल है, न पक्का मकान की जो योजना है सरकार का, फूस में अभी भी लग रहा है कि आजादी के पहले की समय की एक घर है। आप देख सकते हैं मिट्टी का एक पानी, जब बरसात होगा तो इस घर का क्या हालात होगा। सरकार बोलती है कि हम हर पक्का मकान देंगे हर घर को, लेकिन अभी तक विकास नहीं हुआ है। ये सारा विकास का खेल मुखिया से होता है, जो कि कहा गया है बापू ने जैसे कहा था कि अगर ग्राम पंचायत मजबूत नहीं होगा तो देश मजबूत नहीं हो सकता है। लेकिन ग्राम पंचायत की स्थिति यह है कि जो एक हरजन टोली है, जो लोग कहते हैं कि आरक्षण और इन्हें मिलना चाहिए आवास, लेकिन आवास फूस के घर में लोग रहने के लिए मजबूर है। और ये कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है मुख्यालय गया से, महज 1 से 2 किलोमीटर होगा, लेकिन न सरकार न मुखिया किसी की भी आज इतना साल हो गया अभी तक नजर नहीं गई। आइए कुछ लोग से बात करते हैं कि क्या इनका प्रॉब्लम है, किस तरह से लोग जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और क्या कमाने का साधन है, क्या संसाधन है, क्योंकि इनकी आवास की व्यवस्था को देखकर लगा मन में कि एक बार पूछ लेते हैं इनकी दिल की बात। ये आपका खिरियामा पंचायत है, खिरियामा पंचायत में आपके गांव का नाम बाजीपुर है, टोला का नाम बाजीपुर है, लेकिन अभी तक क्या विकास नहीं हुआ है जो आपको दिल में छूता होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग नेता आते होंगे चुनाव के समय में, वादा करके चले जाते होंगे, लेकिन आप लोग वोट फिर उन्हीं को देते हैं, चाहे फिर क्या मन बनाया इस बार पंचायत का चुनाव फिर होने वाला है। आज हम ग्राम पंचायत यात्रा पर आए हुए थे तो सोचा कि आपसे हम पूछ लें। इस मकान को देखा, इतने सारे यहाँ मकान बना हुआ है, कोई भी पक्काकरण ढंग से नहीं है, क्या बात है? मतलब कि देखिए सर, इसे हमको खुश में रहते हैं, न रोड में बना है, न फंडिंग मिला है, चापाकल है। मुखिया जी आपके पास में आते हैं? नहीं, मुखिया जी घर में ढुका रहते हैं। मुखिया जी उनवा खनाए बना रहते हैं। देखिए सर बताते हैं, मुखिया जैसा चोरा है कि अशोक मुखिया, अशोक मुखिया सारी पटाला घोटाला करके तब आंगनबाड़ी में घूरा तू ढलाया है। अच्छा, नेताजी बोला है मंत्री जी कि हमरा क्या तो 20 आदमी आवो, 5 गो से सर सब काम नहीं होगा, एक आदमी का देख 5 किलो में जाता है। सर बात बोलते सर, 10 आदमी जाएगा वो सारी कहानी रोड घन सर कहकर हम बना हम बनवाएंगे, जगह हम देंगे। कौन गलती बोले हम? ये रोड कैसे जाते हैं टाउन में, कैसे जाते हैं टाउन के मतलब देखिए बनाए हैं कौन दिया तगला पास वाला है, ऐसा बात नहीं है। ऐसे जहाँ जहाँ सरकार के जमीन छोड़ेगा रोड जहाँ न बनने का साधन बन गया है, जिंदापुर मान देखे बारे खाली रोड बन गया खाली। यहाँ यहाँ के बारे में क्या विकास, मुखिया जी कुछ काम किए? कुछ काम की नहीं किए हैं, कुछ काम नहीं किए हैं। और आप जाते हैं मुखिया मिलने नहीं आते? नहीं, देखेंगे ना घंटी दबावेंगे ना। हाँ। चल गए हम टाउन बाहर मुखिया घर उतर मुखिया के माई रोड पर चुनाकना चाहिए, गलती बोलते हैं सर। जी जी जी, तो आप लोग का जो मकान के लिए आवेदन दिए हैं, जो फूस का मकान सरकार का है कि हर व्यक्ति को पक्का मकान मिलना है। आप बताते हैं सर, हमको 25 वाला मिला कॉलोनी, ठीक है जी, तो 5,000 तो खा गया, बचा 20,000 में ईटा लगा देंगे, क्रिकेट दिया जुकरा उकरा से जूता पाछा लेके क्रिकेट खेलते रहे तो कम साधन हो गया ना, करते रहे। आइए कुछ महिलाएं भी हैं, महिला से हम बात करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि किस तरह का विकास हुआ है, कैसा विकास हुआ है? भैया कुछ विकास नहीं हुआ सर। अच्छा अच्छा, देखिए कि 15 साल मुखिया हो गए हैं, ठीक ठीक 15 साल में आप देखिए यही सारी जमीन पर यही जो है से है। जी जी, देखा जाए। और हम लोग कल भी धंसे आया से 3 जगह धंसा लिया और कहीं कि यहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं था
राशन कार्ड वगैरह सब मिल गया है? कुछ भी नहीं मिला है। राशन कार्ड नहीं मिला है? नहीं मिला है सर, आधा का देता है आधा का नहीं देता है। देखिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो राशन कार्ड आधा को मिला है आधा को नहीं मिला है। लोग कह रहे हैं कि आधा को मिला है आधा को नहीं मिला। कोरोना काल में इन लोग कैसे जिंदगी जिएंगे? सरकार बोलती है कि राशन कार्ड के बदौलत कुछ लोग का तो मसला सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आधा लोग को नहीं मिला है। बहुत बड़ा बहुत आदमी को नहीं मिला सर। हम ये पूछना चाहते हैं कि मुखिया जी के कार्ड से आप संतुष्ट हैं? जो आप हम ग्रामीण पंचायत यात्रा पर निकले हुए हैं तो सोचा कि आप लोग के गांव के बारे में हाल चाल जान लें कि कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत तो यहाँ बहुत चीज है, दिक्कत बहुत चीज है। हम बोलने वाला है जी, कोनी नहीं मिला है, न जल नहीं मिला है और न राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। जल नल योजना के अंतर्गत यहाँ कुछ नहीं पहुँचा है। नीतीश कुमार का एक सपना था जल नल योजना, और उन्होंने एक दावा भी किया है कि जिस पंचायत में जल नल योजना नहीं पहुँचेगा उसकी दावेदारी ठोकना, यानी वो चुनावी मैदान में नहीं उतर सकते हैं। है आपके पास में? नहीं सर, नहीं। अच्छा, पक्का मकान तो होगा? नहीं, फूस का मकान। मुखिया जी के पास नहीं बोलते हैं कि पानी? बोला ही मुखिया जी के ना, तब मुखिया तो घर में ढूंढ जाते, तो बोले कहाँ कुछ जय वहा खड़ रहा मुखिया जी, मुखिया जी एक घंटा खड़ा हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि हर घर को पानी मिलेगा, हर घर को जल मिलेगा। अभी तक का और जो भी आपका गांव गया टाउन से बहुत नजदीक है और अभी तक जल नल योजना नहीं पहुंचा है ना मुखिया जी? ना हमारे के देवे न करे मुखिया, तो हमारी कोची करे तो हर का पानी पियल तैयार ही है। अब कोची करेगा, भोटिया दल के चापाकल तो चापाकल वो फेल हो गया, हमारे के पियल कोई ठिकाने ना है, घर के रहे तो ठिकाने ना है, मारा लीता आदमी तो आदमी जीवे ना करते लहास फूके, कैसे ही तो पानी पार देता। घर में रख ले रहा है छूट तो पानी तो जाए तो रोड आइए ना कि चल जा सक लह लेके। बहुत जीवा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम बोल पूछना चाहेंगे कि इस बार किस तरह के मुखिया को आप लोग चुनेंगे? हर बार चुनाव आता है, मुखिया जी भी आते होंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन इस बार का क्या नीति क्या है, कैसे लोग को आप चुनेंगे, मुखिया बनाएंगे? आप कैसे बनावल जीते, कोई चीज देवे करवा तो मुखिया कैसे बनाएंगे? हम तो ना देवे वोट, कोई मुखिया ना देवे वोट।